हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू आवर चैनल ट्रैवलोपीडिया। दोस्तों, भारत की पॉपुलेशन बहुत ही तेजी से बढ़ती जा रही है और यही वजह है कि भारत की स्वच्छता के मामले में कोई खास पहचान नहीं है यार। लेकिन ना, इन दिनों स्वच्छता अभियान की बदौलत देश की तस्वीर बदलने लगी है और इसी बदली हुई तस्वीर से निकाल कर लाए हैं भारत के 10 ऐसे शहर जो सबसे ज्यादा साफ सुथरे हैं। तो क्या इन शहरों में आपका शहर भी शामिल है? आपको क्या लगता है कि आपके शहर का नाम इस लिस्ट में होगा क्या? तो चलिए एक साथ चलते हैं देश के सबसे साफ सुथरे शहरों के सफर पर। लेना वीडियो में आगे से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वही वाला बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। नवी मुंबई, महाराष्ट्र। सबसे पहले तो आप इस बात से कंफ्यूज ना हो कि मुंबई को आखिर नवी मुंबई क्यों कहा जा रहा है यार। तो भाई लोगों, जियोग्राफी में थोड़ा सा इंटरेस्ट बढ़ाइए, क्योंकि नवी मुंबई महाराष्ट्र में मौजूद एक छोटा सा शहर है। नया मुंबई समझ के उसे हल्के में मत लीजिएगा, जिसे साल 1971 में मुंबई से अलग कर दिया गया था। और साफ सफाई के मामले में नवी मुंबई 10वें नंबर पे आता है। लगभग 11 लाख की आबादी वाले नवी मुंबई शहर को भी भारत की औद्योगिक राजधानी होने का गौरव प्राप्त है। और नवी मुंबई में पेड़ पौधे इतने हैं भाई कि क्या ही कहना यार। हरियाली भर भर के देखने को मिलती है और इस खूबसूरत से शहर में शांति की कोई कमी नहीं है यार। शहर की प्रोग्रेस और खूबसूरती को देख अडानी ग्रुप के अंडर में यहाँ नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाया जा रहा है। और नवी मुंबई भी मुंबई की तरह बहुत ही विकसित शहर है। लेकिन हाँ, ये एक छोटा सा शहर है, जिस वजह से मुंबई जितनी वैल्यू शायद नहीं है। लेकिन यहाँ जो जाता है ना, वो इस शहर की खूबसूरती में खो जाता है और बोलता है वाह यार, मुंबई से ज्यादा अच्छा है। अहमदाबाद, गुजरात। भाई, गुजरात ऐसी जगह है जहाँ घूमने के लिए रोजाना बड़ी संख्या में सैलानी आते हैं और इसकी वजह है खूबसूरती। लेकिन अगर आप भी मेरी तरह तारक मेहता का उल्टा चश्मा के दीवाने हो तो भाई गुजरात में अहमदाबाद की वैल्यू तो आपको पता ही होगी, है ना। अहमदाबाद के बिना गुजरात तो थोड़ा फीका है यार। तभी तो इन दिनों अहमदाबाद जमकर साफ सफाई की व्यवस्था में लगा हुआ है और आज साफ सफाई के मामले में 9वें नंबर पे आ चुका है। अहमदाबाद वो शहर है जो प्राचीन सभ्यता से जुड़कर भी मॉडर्न दुनिया में तेजी से ढल रहा है। यहाँ बहुत सारे मॉल, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, हॉस्पिटल, मल्टीनेशनल कंपनियां, पार्क, ऐतिहासिक इमारतें और भी बहुत कुछ है यार। अहमदाबाद में घूमना एक अलग ही एहसास दिलाता है। यहाँ की नदियाँ बहुत साफ है। साबरमती नदी किनारे बसे अहमदाबाद में इतनी भीड़ भाड़ और इंडस्ट्रीज होने के बावजूद भी ये शहर भारत के सबसे साफ सुथरे शहरों में से एक है। अहमदाबाद ने स्वच्छता के बारे में लोगों को जागरूक करने की कोशिश की है और समय समय पर कैंपेन चलाए हैं और इस सब का ही नतीजा है जो आज अहमदाबाद इस लिस्ट में 9वें नंबर पे है। तिरुपति, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश का खास और सबसे स्वच्छ शहर है तिरुपति, जिसे तिरुपति बालाजी के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता है। ऊंचे ऊंचे पहाड़, हरियाली, सुंदर वादियां और खूबसूरत वातावरण के अलावा आजकल तिरुपति स्वच्छता के मामले में काफी ज्यादा आगे निकल चुका है और इस मामले में तिरुपति 8वें नंबर पे पहुंच चुका है। तिरुपति मेनली तिरुमाला वेंकटेश्वर मंदिर के लिए जाना जाता है, जो पूरे साल टूरिस्ट से भरा रहता है। वैसे अगर आप तिरुपति घूमना चाहते हैं तो आपको बता दें कि यहां आप ब्रह्मोत्सव त्योहार, विजयनगर उत्सव और राजहंस उत्सव जैसे कई अद्भुत उत्सवों में से एक में शामिल हो सकते हैं। तिरुपति को हिंदू आस्था का प्रमुख केंद्र माना जाता है और अब जो शहर आस्था का केंद्र हो, वहाँ भाई साफ सफाई रखना कितना जरूरी और मुश्किल हो जाता है, ये बात तो आप समझ ही सकते हैं। लेकिन हाँ, तिरुपति में दिन रात भीड़ भाड़ होने के बावजूद भी इस शहर को उस हद तक साफ रखा जाता है कि भाई आप तो देख कर खुशम खुश हो जाओगे, बोलोगे वाह क्या बात है यार। नेशनल सर्वे बताता है कि तिरुपति के लोग साफ सफाई पर बहुत ही ज्यादा ध्यान देते हैं। इसके अलावा यहाँ सरकार भी साफ सफाई व्यवस्था में कोई चूक बर्दाश्त नहीं करती है। गंदगी मत फैलाना यहाँ पे। नई दिल्ली। नई दिल्ली का नाम देखकर कई लोगों को हैरानी हुई होगी, क्योंकि आए दिन हम न्यूज़पेपर और चैनल्स पर सुनते रहते हैं यार कि भारत में सबसे ज्यादा प्रदूषित शहर है दिल्ली, जहाँ की हवा में जहर फैल चुकी है, वहाँ सांस लेना मतलब सिगरेट पीने के जैसा है। लेकिन भाई, वक्त सब बदल देता है यार। दिल्ली में हुमायूं का मकबरा, लोटस टेम्पल, इंडिया गेट और लाल किला जैसे बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स हैं, जिस वजह से यहाँ टूरिस्ट की संख्या में कोई कमी नहीं होती है, कभी भी नहीं। दिल्ली एजुकेशनल सेंटर्स के मामले में भी भारत के बाकी शहरों से काफी आगे है और इसके अलावा यहाँ लोग जॉब खोजते हुए भी बड़ी संख्या में आते हैं। और दिल्ली में आपको इंडस्ट्रीज से लेकर फैक्ट्रीज तक हर वो चीज मिलेगी भाई जो शहर को गंदा कर सकती है। लेकिन बावजूद उसके अब दिल्ली ने साफ सफाई की ओर रुख कर लिया है और ऐसा किया है कि भाई सीधे 7वें नंबर पे छलांग मारी है और दिल्ली में गंदगी के अंबार अब रात की रानी जैसे हो गए, जो नजर ही नहीं आते हैं यार। दिल्ली सरकार लोगों को तरह तरह के कैंपेन्स के जरिए स्वच्छता का पाठ पढ़ा रही है और यही वजह है कि लोगों ने भी शहर को स्वच्छ बनाने का मन बना लिया है। हालांकि दिल्ली को गंदा करने की बात आए तो इसमें सबसे बड़ा हाथ होता है टूरिस्ट और वाहनों का। आप तो जानते हैं दोस्तों कि दिल्ली में 4-व्हीलर्स और 2-व्हीलर्स के साथ साथ पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी अच्छे खासे हैं और ऊपर से यहाँ हर साल हजारों की नहीं बल्कि लाखों की संख्या में लोग आते हैं यार। और इस तरह भीड़ भी इस शहर को गंदा करने में सबसे आगे रहती है। पर हाल फिलहाल दिल्ली ने स्वच्छता का मन बना लिया है और रिजल्ट आपके सामने है। वेल, अगर आप भी दिल्ली में रहते हैं तो जरा बताओ कि आप कहाँ के रहने वाले हो यार। विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश।
लगभग 21 लाख की आबादी को घेर कर रखने वाले विशाखापट्टनम को 2017 में तीसरा सबसे स्वच्छ शहर माना जाता था, लेकिन फिलहाल ये बड़ी और घनी आबादी वाला शहर थोड़ा खिसक गया है। लेकिन फिर भी ये शहर हर वक्त चमकता हुआ नजर आता है। भारत में आने वाले पर्यटकों के लिए विशाखापट्टनम बहुत ही खास जगह है यार। यहाँ एक से बढ़कर एक खूबसूरत जगह है जिसमें पहाड़, बीच और हरियाली से भरे कई पार्क शामिल हैं। अब आपको बता दें कि विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश का सबसे बड़ा और सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला शहर है। यहाँ रहने वाले लोग विशाखापट्टनम को विजाग कहते हैं। अब यूँ तो विशाखापट्टनम में इंडस्ट्रीज की कमी नहीं है, लेकिन फिर भी साफ सफाई की कोई कमी है क्या? और खूबसूरती तो कहना ही क्या है, गजब की है। सूरत गुजरात। भाई जब साफ सफाई की बारी आई तो गुजरात का सबसे खास और प्यारा शहर सूरत, जिसकी सूरत तो साफ होनी चाहिए ना यार, ये कहां लाइन में पीछे रहेगा बॉस, ये भी आगे रहेगा। सूरत की बात करें तो ये भारत के सबसे स्वच्छ शहरों की लिस्ट में 5वें नंबर पे आता है। और सूरत गुजरात का सबसे खास शहर इसलिए भी है क्योंकि ये गुजरात का एक बंदरगाह शहर है और ये एक डायमंड कटिंग हब और टेक्सटाइल हब भी है। आपने ज्यादातर देखा होगा कि डायमंड के व्यापारी गुजरात के सूरत से ही निकलते हैं, वजह अब आपको समझ में आई गई होगी। सूरत गुजरात का दूसरा सबसे बड़ा आबादी वाला शहर है और आज जिस सूरत को आप साफ सुथरे शहरों की लिस्ट में देख रहे हैं ना, आज से कुछ साल पहले तक वही सूरत भारत के सबसे गंदे शहरों में शामिल हुआ करता था। ऐसा कहा जाता था कि सूरत कभी साफ हो ही नहीं पाएगा यार, लेकिन कहते हैं ना जहाँ चाह है वहाँ राह है। यहाँ भी कुछ ऐसा ही हुआ, सूरत ने चाहा और सूरत की सूरत ही बदल गई। और ऐसा मुमकिन हो पाया स्वास्थ्य विभाग और नगर निगम के प्रयासों से, जिन्होंने सूरत शहर को इंडिया की टॉप क्लीनेस्ट सिटी में से एक बना दिया। चंडीगढ़। पंजाब और हरियाणा की राजधानी के रूप में अपनी सेवाएं दे रहा चंडीगढ़ भी भारत के सबसे स्वच्छ शहरों में शामिल हो चुका है। चंडीगढ़ भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी के सपनों का शहर है। हरे पेड़, खुली वादियां, मदहोश कर देने वाला वातावरण इस शहर को भारत के बाकी शहरों से ज्यादा खास और महत्वपूर्ण बनाता है। चंडीगढ़ में आपको ज्यादातर सरकारी अधिकारियों या सरकारी नौकरी से रिटायर हो चुके लोगों के घर मिल जाएंगे, इसलिए इस शहर को पेंशन भोगियों के स्वर्ग का खिताब मिला हुआ है। अब आपको बता दें कि चंडीगढ़ साल 1966 को यूनियन टेरिटरी बना था और एक समय था जब चंडीगढ़ काफी पीछे हुआ करता था, लेकिन आजादी के बाद और यूनियन टेरिटरी का दर्जा प्राप्त होने के बाद से ही चंडीगढ़ ने काफी ज्यादा तरक्की कर ली है। कई लोगों के मन में ये सवाल आता है कि चंडीगढ़ पंजाब और हरियाणा की राजधानी कैसे है, तो जवाब ये है कि जब पंजाब और हरियाणा एक ही हुआ करते थे तब भी चंडीगढ़ पंजाब की कैपिटल सिटी था, लेकिन बाद में जब दोनों अलग हो गए लेकिन राजधानी दोनों ने चंडीगढ़ को ही चुना। देश के सबसे हरे भरे शहरों की बात हो या वेल डिजाइन शहरों की बात हो, दोनों में चंडीगढ़ ही सबसे आगे है। बदलते दौर में मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ कैसे तालमेल बैठाना है ये सीखना हो तो चंडीगढ़ से सीखा जा सकता है। ऐसा इसलिए भी है क्योंकि चंडीगढ़ जल्द ही देश का सबसे पहला सोलर पावर से चलने वाला शहर बनने जा रहा है। 10 लाख के करीब आबादी वाले इस शहर में रोजाना बड़ी संख्या में पर्यटक आते हैं और बावजूद इसके चंडीगढ़ काफी साफ और अट्रैक्टिव शहर बना हुआ है। विजयवाड़ा, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश राज्य के बीचों बीच मौजूद विजयवाड़ा ने स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 के अनुसार भारत के सबसे स्वच्छ शहरों की लिस्ट में तीसरा स्थान हासिल किया है। विजयवाड़ा का नाम जितना ज्यादा अट्रैक्टिव है ना, ये शहर भी उतना ही अट्रैक्टिव है। विजयवाड़ा एक प्रमुख व्यापारी केंद्र है, इसलिए इसे आंध्र प्रदेश की व्यवसायिक राजधानी के रूप में जाना जाता है, लेकिन इसके बावजूद भी ये शहर अपनी स्वच्छता को काफी हद तक बनाए रखने में कामयाब रहा है, जो इसे इंडिया की क्लीनेस्ट सिटी में लिस्टेड करता है। एक रिपोर्ट के अनुसार विजयवाड़ा आने वाले समय में यानी कि लगभग 2035 तक भारत की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था का टैग प्राप्त करने वाला हो जाएगा यार। विजयवाड़ा अपने आप में अद्भुत और बहुत ही खूबसूरत शहर है, जहां घूमने जाने वालों की लाइन बहुत लंबी है भाई। यहां हर साल लाखों की संख्या में टूरिस्ट पहुंचते हैं और शहर की खूबसूरत स्वच्छता देखकर दीवाने हो जाते हैं, और यही वजह है कि विजयवाड़ा शहर भारत के सबसे स्वच्छ शहरों में तीसरे नंबर पे आता है। भोपाल, मध्य प्रदेश। भारत के दिल यानी कि मध्य प्रदेश की कैपिटल सिटी भोपाल हरियाली से भरपूर शहर है और देश की सबसे साफ राजधानी भोपाल में हर सुबह 7 बजे से ही गंदगी के खिलाफ जंग शुरू हो जाती है। लगभग 6100 सफाई कर्मी दोपहर 2 बजे तक 505 छोटी गाड़ियों और 940 साइकिल रिक्शा की मदद से तकरीबन 800 टन कचरा जमा कर लेते हैं। इस शहर के पास 6 कचरा ट्रांसफर स्टेशन और 4 अभी और बनी रहे। यहां सूखे कचरों को अलग कर उसे छोटे टुकड़ों में बदल दिया जाता है और इन प्लांट्स को स्थापित करने के लिए नगर निगम ने स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट की मदद ली है और 40 करोड़ रुपए खर्च किए यार। तो दोस्तों अब हम बात करने जा रहे हैं भारत के उस शहर के बारे में जो साफ सफाई के मामले में भाई नंबर 1 पे आता है, इंदौर, मध्य प्रदेश। जी हाँ दोस्तों, मैंने देखा है इंदौर को बदलते हुए। इंदौर ही वो शहर है जो भारत में सबसे स्वच्छ शहर के रूप में फर्स्ट रैंक पर काबिज हुआ है और बना ही हुआ है पिछले कई सालों से। दिवाली हो या होली, सभी त्योहार यहाँ धूमधाम से मनाए जाते हैं, इसकी कोई दिक्कत नहीं होती है। और इस दौरान सड़क पर कचरा भी होता है, ऐसे में जब गंदगी का ढेर लगाकर शहर के लोग मस्त नींद ले रहे होते हैं तब चालू होता है यहाँ सफाई का खेल। और नगर निगम के सफाई कर्मियों की टीम सड़क पर उतरती है और देखते ही देखते सड़कें चकाचक हो जाती है, और जब लोगों की नींद खुलती है तब बोलते हैं वाह क्या शहर।
शहर है। दोस्तों इस काम में न रात देखा जाता है न दिन। शहर से निकलने वाले गंदे पानी को खास इक्विपमेंट्स के जरिए फिल्टर किया जाता है और इसका बगीचों, खेतों और नई नई बिल्डिंग्स में दोबारा इस्तेमाल किया जाता है। शहर में 120 माइक्रोन से कम के प्लास्टिक और डिस्पोजल का इस्तेमाल पूरी तरह से बंद कर दिया गया है और एयर क्वालिटी के लेवल को सुधारने की दिशा में लगातार काम किया जा रहा है। शहर में फिलहाल प्रति व्यक्ति 402 ग्राम कचरा प्रोड्यूस हो रहा है, जिसे 398 ग्राम पर लाने के लिए जोर दिया जा रहा है। वेल, इंदौर इतनी मेहनत कर रहा है इसी देश का सबसे स्वच्छ शहर बन पाया है। आप भी थोड़ी मेहनत कीजिए यार और अपने शहर को साफ सुथरे शहरों की लिस्ट में ले आइए। वैसे आपने बताया नहीं कि आप कहां के रहने वाले हैं और इस लिस्ट में आपका शहर है या फिर नहीं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और खुश रहिए, मस्त रहिए।